कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर आज झज्जर पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस पर लगाए गए रक्तदान शिविर में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाएगी। झज्जर पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। झज्जर पहुंचने पर डॉक्टर अशोक तंवर ने क्षेत्र स्थित जाट धर्मशाला में सर छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को बैच लगाकर उनका सम्मान बढ़ाया और कहा कि आपका यह रक्त किसी के लिए जीवन दान बन सकता है। उन्होंने कहा, आज के समय में रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है क्योंकि यह दान किसी अन्य व्यक्ति को नया जीवन दान देता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यक्रम में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं व आने वाले रक्तदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी के जन्म दिवस पर जो उन्होंने यहां आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है उसके लिए वह उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम में एक खास बात देखने को यह मिली, जो कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर का कार्यकर्ता स्वागत कर रहे थे तो कार्यकर्ताओं में ही मौजूद एक नन्हे छात्र ने अपनी पेंटिंग डॉक्टर अशोक तंवर को दिखाई और पेंटिंग दिखाते दिखाते वह छात्र भावुक हो गया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक तंवर ने छात्र को गले लगा लिया और उसे शाबाशी देते हुए कहा कि आप आगे बढ़िए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। डॉक्टर अशोक तंवर ने छात्र को अपनी ओर से इनाम भी दिया। डॉक्टर अशोक तंवर ने अपने संबोधन में कहा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस पर जिन रक्तदाताओं ने आज रक्तदान किया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आज जनता बीजेपी के कुशासन से बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी है और जनता यह बात देख रही है कि कब चुनाव आए और कब बीजेपी को उनके किए की सजा दें। आज जन्मदिन है, 48वां जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और समस्त हरियाणा वासियों की तरफ से कांग्रेसरों की तरफ से आदरणीय राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ और हम सब लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि इसी तरीके से वो मुस्कुराते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, ईश्वर उनको स्वस्थ और लंबी आयु दे। और जो आज देश और समाज इस प्रदेश के सामने चुनौतियाँ हैं उनका सबका हम मिल करके डट करके मुकाबला करें। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं, जो वो तो खुद ही उन्होंने कहा कि हम जुमला देते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन लोगों ने भी नाम दे दिया, बोले भाई ये झूठ चंद्र मोदी और घोषणा लाल खट्टर, मनोहर लाल नहीं घोषणा लाल। मनोहर होता तो अच्छे काम करता, नाम का मनोहर है लेकिन वैसे काम का मनोहर किए। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम सब साथियों ने फैसला किया कि हम पूरा साल, क्योंकि जो अभियान होता है वो एक दिन का नहीं होता, अभियान सतत चलने वाला कार्यक्रम होता है, इसलिए पूरा साल कांग्रेस पार्टी घर घर जाएगी, गांव गांव जाएगी, हर व्यक्ति से मिलेगी। और ये जो हमारी मुहिम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ाए, 10 लाख करोड़ रुपए उससे कमाने का काम किया, लेकिन वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है उसका किसी को नहीं पता है। अगर सरकार चाहे और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हुए उस हिसाब से 37 रुपये लीटर जो है हमें डीजल मिलना चाहिए, ये सब लोगों की मांग भी है। और करीब 2-4 रुपये ऊपर हमारा पेट्रोल का दाम होना चाहिए, लेकिन आज वो चीज नहीं। किसानों का खर्चा माफ करने की बजाय वर्तमान सरकार बापूजियों को पतियों के कर्जे माफ करने में लगी हुई है। 4,80,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, पता नहीं कितने मोदी ऐसे हैं छोटे मोटे जिनको मोदी मॉडल के माध्यम से बाहर विदेशों में भेजने का काम किया गया। इसके उपरांत डॉक्टर अशोक तंवर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर झज्जर में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वे खुद सिरसा में मैराथन को हरी झंडी देकर आए हैं। इसके उपरांत उन्होंने फतेहाबाद में भी एक कार्यक्रम में शिरकत की और उसके बाद यहां झज्जर में रक्तदान शिविर में आए हैं। इनेलो पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से SYL पर इनेलो के नेता राजनीति कर रहे हैं
वह बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इन्हें तो सेटिंग कर रही है, जेल बंदी कर रही है। ये तो अकाली दल और भाजपा ने इनको कहा हुआ है, तुम ऐसा करो ताकि इसको मिले किस तरीके से करवाए। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए भी 2 साल से ज़्यादा हो गया। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय जो एजेंसी है, CBWT है, कोई और है, उसके माध्यम से इसको घर का निर्माण कार्य पूरा हो, पानी जल्दी से जल्दी आए। लेकिन जानबूझ करके लगातार ये षड्यंत्र और शरारत भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की और इन्होंने मिलकर कर रही है, और इसीलिए ये तो सब नाटक है। और नाटक का मैं समझता हूँ कि अंत भी लोग नाटक के माध्यम से ही उन्हें और भारतीय जनता पार्टी को देंगे। जो पानी आज राजस्थान भेज दिए, जो पहले अभी मिलता था, आज इसकी आवाज़ तो कोई नहीं उठा रहा, वो पानी राजस्थान इन्होंने दे दिया केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आगे वहाँ पर चुनाव है। तो मैं समझता हूँ कि पूरा ये सारा जो घोषणा है वो जनता के सामने आ चुका है, और इसलिए जनता को कोई समझ नहीं है। अमित शाह लगातार हरियाणा में लगातार बैठे कल भी हरियाणा भवन में मंत्रियों के विधायक बैठक कर रहे, क्या लग रहा है, क्या उनका भय है या भय तो है ही। जब हरियाणा के लोगों ने सिरे से उनको नकारने का काम कर दिया है, हम उनको याद आ रहे हैं बार बार, और पहले चिंतन किया, फिर मंथन किया, अब जो है दहरी की दहरी है, 3-4 बार पहले हरियाणा दिलवा दिया, फिर दोबारा कर दिया, लेकिन अब हरियाणा दोबारा भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में आने वाला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कोशिशें हैं भारतीय जनता, अब कोई रैली हो, कोई धरने हो, प्रदर्शन हो, सारा तो सब जगह फ्लॉप हो, उनका CM विंडो फेल हो चुकी है, रोड शो फेल हो चुके हैं, आप जनता दरबार की बात कर रहे हैं। और केवल घोषणाओं से अगर मैं समझता हूँ कि हरियाणा का विकास होता तो हो सकता हो जाता, लेकिन बिना उसके काम करे कुछ नहीं होना। और ये अब प्रदेश की जनता हर जिले से, प्रदेश के हर कोने से ही आवाज़ आ रही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी छोड़नी है और राहुल जी को लेकर के आना है। और आज मैं समझता हूँ कि राहुल जी के इस जन्मदिवस के मौके पर हम फिर दोबारा संकल्प लेते हैं। आज मैं तमाम हरियाणा वासियों की तरफ से, सभी कांग्रेस जनों की तरफ से, अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, सब उनको उनके लंबे स्वस्थ आयु की, उज्ज्वल भविष्य की, और जो भविष्य की चुनौतियाँ आज देश और समाज और प्रदेश के सामने, हरियाणा के सामने हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, समर्थन से लड़ने का फिर संकल्प सारे साथी लेते हैं। और इसलिए आज हमने रक्तदान किए, जगह जगह हमारे मैराथन हुई, उसके साथ साथ दूसरे कार्यक्रम हुए, और आज हमने अपना कांग्रेस घर घर अभियान की शुरुआत की पूरे हरियाणा में। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि आज जिस तरह से कांग्रेस की छवि ऊपर आ रही है, उससे सभी विपक्षी पार्टियां बौखला गई हैं और पार्टियों के नेता बेबुनियादी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय में बीजेपी के नेताओं को जनता गांव में घुसने तक नहीं देगी, यह समय बहुत ही जल्द आने वाला है। कांग्रेस की गुटबाजी के बारे में जब अशोक तंवर से कहा गया तो अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उसके हर एक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। रोहतक में आयोजित कार्यक्रम भी उसी का एक हिस्सा है। कैसे याद आ रही, इसका मतलब 4 साल तक वो कुछ नहीं सुन रहे थे उनकी, और नहीं सुन रहे थे तो क्यों नहीं सुन रहे थे, और नहीं सुन रहे थे तो 4 साल तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो ये सारा लोगों को, और बात ये है कि मीडिया और लोगों को क्यों बताना चाहते हैं, इसलिए दिखाने की कोशिश करें कि हम स्थिति को सुधारना चाहते हैं, सुधार हम लाना चाहते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर, लेकिन स्थिति में ना कोई सुधार आ रहा है, स्थिति और ज़्यादा बदतर आए दिन बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मैं समझता हूँ वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार होगा, लोग गाँवों में उनको घुसने नहीं देंगे, और जब समय आएगा तो सत्ता पलट लेंगे। हरियाणा बचाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए हमारी जो मुहिम है वो खाने वाला है। राहुल जी के आज उनके जन्मदिन था, कल हमारे साथियों ने वहाँ पर पोस्टर, मेरे को पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से चला, आज मीडिया के माध्यम से साथियों से बात की गई, वहाँ पर जन्मदिन लीडर का है, जन्मदिन की शुभकामनाएं, और जो अभियान आज शुरुआत कर रहे हैं उसको लेकर के अगर कोई मुश्किल लगता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को ऐतराज़ होना चाहिए। बाकी इसकी पूरी गहनता के साथ जांच करें क्या मामला था,
लेकिन सब साथी एक ही परिवार है और एक परिवार की तरह ही हमें सब लोगों को मिलकर के लड़ना चाहिए। ना कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गए हैं, कभी तो बहुत ऊपर जानी पार्टी की, अब तो भाजपा इनेलो ये दूसरे जो तीसरी ABC टीम इनकी छवि नीचे गई। इन चीज़ों से छोटे छोटे मुद्दे होते हैं और मैं समझता हूँ जब ताकत पार्टी की बढ़ती है तो ताकत दिखाना तो कार्यकर्ता भी ताकत दिखाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जिस तरह से प्रदेश भर में साइकिल यात्रा से कार्यकर्ताओं के हौसले को मजबूत कर रहे हैं और प्रदेश की जनता से रूबरू हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिलेगी। लेकिन बात विपक्ष की भी सही है कि पार्टी में कहीं ना कहीं तो मतभेद है, क्योंकि वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी जनक्रांति यात्रा के जरिए अपने समर्थकों के साथ संपर्क साध रहे हैं, कहीं इसका असर पार्टी पर ना हो। इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर उनके बड़े नेता को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि पार्टी विपक्ष में है और इसका खामियाजा उन्हें ना भुगतना पड़ जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूरी कदम उठाना पड़ेगा। झज्जर से संजना छाबड़ा के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।